क्यों? अस्सलाम वालेकुम खैरपुर जो मानो आज तवा सा एक नए प्रोग्राम के जरिए एक मुलाकात क्यों पिया आओ आया खालिस सा खैरपुर टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेसिडेंट आज मा तवा के एक नए प्रोग्राम सा मुखातिब थिंदुस जे त तवा सबई जानो ता खैरपुर टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन आ है जेका खैरपुर जे टैलेंट के उजागर करे थी एक प्लेटफार्म तौर कम करे थी इन खैरपुर में जेको असा सबनी जे लाए एक खूबसूरत शहर आ है जो खजिन जो एक शहर आ है अमीरन जो शहर आ है खूबसूरती जो शहर आ है इन जे लाए असा इन शहर में वेही करे जेके नौजवान मानू जेके ते रहन पिया जो डॉक्टर आ है इंजीनियर आ है नौजवान जेके तालीम रहन पिया उन सबनी के मिलाए करे एक खैरपुर जे टैलेंट जे लाए एक जे भलाई जे लाए एकड़ो कम कयो करे रहा आयूं इन ऑर्गेनाइजेशन तमाम सुठा कम किया हन वन एम्पावरमेंट ते सेमिनार दिना हन करियर काउंसलिंग ते लेक्चर दिना हन यूएसए स्कॉलरशिप ते टेल केतरा ही प्रोग्राम कया हन टीचर्स डे जे हवाले से भी कल एक प्रोग्राम कयो से असा 13 अक्टूबर 2018 छंछर जे डी इन महीने में असा जो पाए सो सुबह जो 10 बजे का 12 बजे तई एक नव एक पैगाम खी आया एक नव स्लोगन खी आया वो यो है सिविल सोसाइटी मेंबर्स सिविल सर्वेंट्स लॉन्ग वॉक फॉर प्लांटेशन इन खैरपुर इन स्लोगन से आया हूँ तो खैरपुर सिटी के एक ग्रीन सिटी बनायूँ हि एक खूबसूरत गुलन जो शहर है इनके वध का वध जो पाए सो खूबसूरत बनायूँ ए जी त वणन की सीजन हली रही है तो अस चाहूँ ता खैरपुर में भी जो है सो वणन लगायूँ हर एक के जो है मीडिया के जरिए आउं पैगाम पो दियाँ तो खैरपुर टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन एक मुहिम स्टार्ट कर रही है जहाँ 13 अक्टूबर का शुरू थी रही है जिनको आगाज थी सजे सिटी में एक लॉन्ग मार्च कई वी जिनको स्टार्टिंग जो आगाज कर वो खाकी शाह पुल का मरियम तोप तई ए सजे शहर में जो है सो अवेयरनेस के लिहाज से वॉक कई वी उन मीडिया के जरिए आउं सिविल सोसाइटी के मेंबर के सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स के जो दावत पो दियाँ स्टूडेंट शागिर्दन के वालदेन के सभी के दावत पो दियाँ अचो खैरपुर टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हिस्सों बनो ए शहर के जो खूबसूरत बनाया असा गड वॉक किया इन लाइक है सो जुमे के ढी सुबह जो 10 बजे का शाम जो 6 बजे तई छटी चौक वट इतने कैंप लगाई वी केटीओ के नाले से जिते तुम्हें होंद तो कितने कहीं पैसा जमा कराया वा कि केटीओ कोई पैसा वगैरह नी चे वण एक जिंदगी जिनके सब कें सुठे माहौल की जरूरत है जिते वण हूँ उतने खुशहाली होंगी है अड़े लिहाज से जुमेवारे ढी 10 बजे जो सुबह का वी शाम जो 6 बजे तीन एक कैंप लगाई वी केटीओ के नाले से जिते आउं इन मीडिया के जरिए बिजनेसमैन के ब्यूरोक्रेट्स के शागिर्दन के वालदेन के सभी का एक खैरपुर के मानू के दावत तो दियाँ तो तुम जो है सो इतने सुबह जो 6-10 का वी शाम 6 तीन जो है सो वण जमा कराया हि एक तारीख में छाकाण तो असा एक बहादुर कौम आयो असा हमेशा खूबसूरती के जो है सो जन्म दिनों खूबसूरती के प्रमोट क्या तो तुम जो है सो वण खी अचो उतने एक नव आगाज दियो अगर जैसे तुम टीचर आयो तो स्टूडेंट उन गजी जो है सो दरख्त खी अचे अगर जैसे तुम वालदेन आयो पंजे बारन सा गड उन जिंदगी जो एक खूबसूरती जो आगाज दियो अचो तो केटीओ एक सुठो तमाम पैगाम शुरू किया है पैगाम खी आए तो शहर के जो खूबसूरत क्यों उड़ा जो नर्सिंग तुम वण वी 10-15 रुपया 20 रुपया वण की कीमत है जैसे तुम खी केटीओ के जोनेट कद वो केटीओ सैटरडे वे ढी जो सजे खैरपुर में जो प्लांटेशन प्लांट हणंदी जैसा मतलब एक सुठो माहौल थो यो केटीओ जो पैगाम है जैं तो असर मुआशरे में रहूँ था उत उस्ताद जो वालदेन जो एक पेशमाम जो तमाम घड़ो जो है सो असर रसूख है अगर कंसा कें मजहब से कई तालकात ना है अगर जैसे तुम मस्जिद जहाँ पेशमाम आयो तुम उत पैगाम दियो तो वण पोखो छाकाण तो जन्नत में भी जो वण हूँ अगर जैसे चर्च में तुम इबादत के लिए वो उत पैगाम दियो तो वण जिंदगी आन तो वण पोखो अगर जैसे कें तुम मंदिर में था वो उत पैगाम दियो तो सो अस मजहब में भी जो वणन के प्रमोट किया वो है वणन के जो है सो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर वण पोखो हि मुझो पैगाम सभी है वालदेन आए तो वण खी अचो जैसे तुम उस्ताद आए तो वण खी अचो अचो मिली कर केटी जो साथ दियो इन खैरपुर के जो खूबसूरत बनायूँ इो ही मुझे पैगाम है अचो तो जो है सो शहर के जो खूबसूरत बनायूँ इन सा गड में इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।